हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेखा पाठक ब्लॉग चैनल में आपकी स्वागत है। आज मैं बनाने के लिए जा रही हूँ ब्रेड की मिठाई। उसके लिए मैं 6 ब्रेड ली हूँ, 1 गिलास दूध ली हूँ, चीनी ली हूँ 1 कटोरी, ये बादाम है, ये काजू है, ये नारियल है, ये 4-5 इलायची मैं चूर के रख ली हूँ, ये सूखी दूध है 2 चम्मच, 1 चम्मच करीब घी है, ये थोड़ा सा रंग मैं घोर के रखी हूँ फ्रूट कलर की, ये है रिफाइंड तेल है। अब जो मैं 1 गिलास दूध ली हूँ इसको मैं गाढ़ी करूंगी, एकदम 100 ग्राम तक रखूंगी इसको। जब तक मेरी दूध गाढ़ी होगी तब तक मैं जार में ब्रेड को पीस लेती हूँ। अब मैं इसको पीस के लाती हूँ। मैं ये ब्रेड को पीस ली हूँ। अब ये नारियल, बादाम, काजू तीनों में पीस लेती हूँ। अब मैं ये पीस के ले आई हूँ और इधर मेरा दूध भी हो गया है। अब मैं गैस बंद करती हूँ, इसी में मैं ये ब्रेड डाल देती हूँ। इसी में ये दूध भी डाल देती हूँ। ये नारियल, बादाम, काजू का बुरादा जो है ये भी डाल देती हूँ। 1 चम्मच मैं घी डाल रही हूँ। अब इसको मैं अच्छी तरह मिला लूंगी। अब मैं इसको इसमें निकाल लेती हूँ। इसी तरह इसको मिलाना है, आटे के जैसे तैयारी करना है। अब मेरा ये हो गया है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए ढक देती हूँ। अब मैं ये चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई में चीनी डाल देती हूँ। इसी कटोरी से 1 कटोरी पानी डाल दूंगी। अब इसको मीडियम आंच में चीनी को गलाऊंगी। ये मेरा चाशनी, ये देखो खौल गई है। अब मैं इसमें इलायची डाल देती हूँ और इसी में मैं थोड़ी सा ये रंग घोर के रखी हूँ, 1/2 चम्मच में डाल देती हूँ। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में डाल दूंगी। मेरा चाशनी हो गई, गैस मैं बंद करती हूँ। अब ये चाशनी देखो मैं इसमें निकाल ली हूँ। अब मैं कढ़ाई चढ़ाती हूँ उसको छनने के लिए। अब मैं इसमें तेल डाल देती हूँ। जब तक ये गर्म होगी तब तक मैं इसको लोई के गोल गोल करूंगी। इसी प्रकार मैं सारे के कर लूंगी। अब ये सारा मेरा तैयार हो गया। अब मैं इसको तलूंगी एकदम मध्यम आंच में मैं डाल रही हूँ।
अब मैं इसको पलट रही हूँ। अब मेरा ये देखो हो गया है। अब मैं इसको निकाल के चाशनी में डाल देती हूँ। ये चाशनी में डाल देती हूँ। फिर मैं इसको ऐसे ही पलट दूंगी। जो मैं ब्रेड को मिलाई थी, अगर वो ब्रेड में कम लगे पानी या गीला, तो उसमें थोड़ा सा दूध या पानी देके थोड़ा लूज कर सकते हो। अब मेरा ये भी हो गया है। अब गैस मैं बंद करती हूँ और मैं चाशनी में डालती हूँ। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब मैं इसको इसमें निकालती हूँ। अब इसमें मैं थोड़ी थोड़ी मलाई डाल देती हूँ। ये मलाई मेरा घर की है। ये मेरा ब्रेड का मिठाई अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करने के लिए नहीं भूलना।